तो कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना महामारी से गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल, हिसार, कुरुक्षेत्र, अम्बाला और सोनीपत जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह ने ऐलान किया है कि कल बैसाखी के दिन प्रदेश के मंदिरों और गुरुद्वारों में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी और स्वास्थ्य विभाग ने कल 2 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग क्या कदम उठा रहा है, इस बारे में खास बात की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह से। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की कोरोना से निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं, इस मेरे साथ हैं स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह, इनसे जानते हैं। आज के दिन सबसे बड़ा काम जो हमारे सामने और हेल्थ डिपार्टमेंट के सामने है, नंबर वन है कि टेस्टिंग खूब बढ़ानी है। एज इट इज हमारी 98% टेस्टिंग चल रही है, बट इसको आगे और बढ़ाना है। और दूसरा, वैक्सीनेशन हमारा टारगेट है कि जो टारगेट पॉपुलेशन मोर देन 45 इयर्स ऑफ एज है, उसको कोशिश करें कि पूरा उनको वैक्सीनेट करते हैं। नंबर वन टेस्टिंग के लिए हमने अपनी 24 घंटे की टेस्टिंग अब कर दी है, 3 शिफ्ट्स में सारे लैब्स में काम होगा। और एडिशनल लैब्स जो चाहिए उसकी भी प्रतिक्रिया हमने शुरू कर दी है। जहाँ तक वैक्सीनेशन का है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी और बाद में गाइडेंस हमारे वर्दी चीफ मिनिस्टर सर एंड हमारे हेल्थ मिनिस्टर सर, उन्होंने इमीडिएटली मीटिंग ली और फैसला किया कि 11 से 14 को टीका उत्सव मनाया जाएगा। इसमें हमारे पूरे कर्मचारी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारा पहले दिन का टीका उत्सव का एक बहुत सफल दिन रहा। हमने मोर देन 1,15,000 वैक्सीनेशन करे। हम हर किसी को, हमने देखा है कि हर सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, रिलीजियस हेड्स, सब साथ मिलके इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। वैक्सीनेशन में हमें बड़ा सहयोग मिल रहा है, IMA का मिल रहा है, रोटरी का मिल रहा है। कल हमने हमारे सारे हेडक्वार्टर्स से सारे डॉक्टर्स फील्ड में गए हुए थे, जहाँ पे उन्होंने सुपरवाइज किया कि एक उत्सव की तरह खूब तादाद में वैक्सीनेशन हो। हमने देखा है कि कल बैसाखी का दिन है, सारे गुरुद्वारास में हमारे, और विथ प्रिकॉशंस अगर हम जा भी रहे हैं और हॉस्पिटल को छोड़ के अगर हम दूसरे साइट्स पे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम वहाँ सेफ्टी इंश्योर करते हैं कि अगर कोई रिएक्शन हुआ तो हमारा किट और एक मेडिकल ऑफिसर सबसे पहले वहाँ होता है, फिर हम उस साइट पे वैक्सीनेशन शुरू करते हैं। कल हमने टारगेट किया है कि जितने हमारे गुरुद्वारास हैं, जितने मंदिर हैं, आज शाम को जाके हम अपने वहाँ साइट्स आइडेंटिफाई करके, और कल, और हमें बहुत सहयोग मिल रहा है, जिस गुरुद्वारा में हम जा रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, जिसे हम राधा स्वामी सत्संग के भवन में जा रहे हैं, हमें हर जगह वहाँ कोऑपरेशन मिल रहा है। वहाँ का स्टाफ मिलके हमारे को मैन पावर दे रहा है, जो वैक्सीनेट करने आ रहे हैं उनको चाय, पानी, खाना सब अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो मैं बहुत, एक हर्षो उल्लास का विषय है कि जो वैक्सीनेशन एक हेल्थ डिपार्टमेंट का था, वो अब हमने देखा है कि हर हरियाणा का नागरिक अपनी जिम्मेवारी समझ रहा है, आगे भी आ रहा है। और जिन लोगों को थोड़े बहुत डाउट्स हैं, तो जो टीका लगवा के जाता है उसको हमारा टीका लगाने वाला कहता है कि 1 के पीछे 10 लाओ, और हर कोई हमें कहता जी पूरी कोशिश होएगी कि हम भेजे हैं। तो इस प्रकार से हमारे वैक्सीनेशन ने बहुत तेज़ी पकड़ ली है। दूसरा, जो शायद और राज्यों में ये विषय आ रहा हो कि वैक्सीन की शॉर्टेज है, हरियाणा में हमारे वर्दी ACS सर की देखरेख में वो अपना नियंत्रण, उन्होंने अपना संपर्क दिल्ली से बनाया हुआ है और हरियाणा में वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है। 7 लाख वैक्सीन हमारे पास हैं और आने लग रहे हैं। तो बहुत जो हर एफर्ट किए जा रहे हैं कि कोरोना को से बचने के लिए लॉकडाउन ना होए और लोग बीमार ना पड़े, उसके लिए हर प्रयास किया जा रहा है और हर किसी का सहयोग किया जा रहा है। और
संतोषजनक इसमें प्रोग्रेस चल रही है। मैडम, इस समय अगर हरियाणा का देखा जाए तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा कौन से जिलों में केस आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा गुरुग्राम, फरीदाबाद जो NCR का रीजन है, सोनीपत, वहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। मैडम, जो कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, क्या कोरोना का वायरस इससे मर जाएगा? कोरोना का वायरस नहीं मरता है, वो हमारे बॉडी को अफेक्ट करना कम कर देता है। जो वैक्सीन का जो पर्पस होता है वो होता है कि बॉडी में जाके एंटीबॉडीज़ स्टिमुलेट करें कि अगर कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश भी कर लेता है तो उसको वो वहाँ पे अपने एंटीबॉडीज से उसको वहाँ पे उसका असर शरीर पे नहीं आने देता है। डेफिनेटली बहुत अच्छा रोल है। आप देखिए कि अब जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, डेफिनेटली उसमें यंग लोग ज़्यादा हैं और बुज़ुर्गों का फिगर थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि काफ़ी वैक्सीनेशन हुई हुई है। सो दैट इज़ द रीज़न। बट कि वैक्सीन आके और एकदम कोरोना को ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं है। मैडम, क्या कारण है कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि हम है ना लापरवाह हो गए हैं। हर कोई सोचता है कि अगर इस समय तक अभी नहीं हुआ है तो शायद मुझे मास्क की और उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेसिक चीज़ है और स्टडीज़ प्रूव किया है, अगर मास्क रखें, 2 गज़ की दूरी रखें और ऊपर से वैक्सीनेशन भी कराएं तो कोरोना हमारे शरीर में बिल्कुल नहीं आएगा। तो लापरवाह हो गए। दूसरी, थोड़ी हेल्थ सिस्टम में भी थकन आ गई है कंटिन्यूसली लगातार हाई अलर्ट पे चलने के बाद, तो ये वजह हो गए हैं। लेकिन अब हम वापस फॉर्म में आ गए हैं, अब हम प्रिकॉशंस भी ले रहे हैं और अपने हेल्थ सिस्टम के अंदर नया जोश आ गया है हर किसी में कि जो फिगर्स बढ़ रहे हैं उनको हमने बढ़ चढ़ के, जैसे पिछले साल हमने किया था उससे बेहतर काम करके हम दिखाएंगे। ये वजह रही है कोविड के बढ़ने की। मैडम, इस समय प्रदेश में कितनी वैक्सीनेशन हो गई है? बहुत अच्छा फिगर है हरियाणा का, 24.70 लाख। हम अभी, मैं जब अब आपको बता रही हूँ, इतने लोग हो चुके हैं वैक्सीनेट और हमारा टारगेट बहुत वो है। हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स भी आइडेंटिफाई करेंगे जिसके अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि वहाँ जो टारगेट पॉपुलेशन हमें दी गई है वैक्सीनेशन की, वहाँ 100% भी करके दिखाएं। ये थी मेरे साथ स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर वीना सिंह। इन्होंने कहा है कि गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में कोरोना के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया है कि अभी तक 25 लाख के करीब वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।